हे गाइस वेलकम बैक टू अनस्क्रिप्टेड इंजीनियर वंस अगेन सो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये पूरा का पूरा फुल वीडियो डेडिकेटेड है मॉक इंटरव्यूज़ के ऊपर जो कि अच्छी जॉब आप लोग को प्रोवाइड करती है सो so, दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगेगा बहुत ही फ्रूटफुल ये वीडियोस हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी सो so, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस

फिर यह आता कि हाउ टू शेड्यूल ए मॉक एंड मीन्स कितने चांसेस मिलते हैं आपको मॉक देने के uh, पहले कुछ और था अब कुछ और थोड़ा सा कंडीशन चेंज हुआ है देन मॉक uh, में देने का सही तरीका क्या है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है एंड मॉक्स के जो गैप है उसमें आपको क्या करने हैं तो ये सब बात मैं आपको बताने वाला हूँ तो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो ओके एंड दोस्तों मैंने कमेंट मिला कि मुझे कमेंट मिला ये सब कि इंग्लिश uh, भी थोड़ा सा यूज़ करने के लिए जैसे कि बहुत लोग तो हिंदी पूरा तरह से नहीं समझ सकते हैं तो आई विल uh, यूज़ डोंट वरी आई विल यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मिला जुला के इंग्लिश यूज करूंगा बिकॉज हिंदी uh, भी बहुत नेसेसरी है लाइक इंग्लिश कंटेंट अगर मैं पूरा दूंगा तो फिर बहुत सारे हिंदी ऑडियंस जो हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है सो आई विल यूज़ बोथ सो लेट्स टॉक अबाउट वाई मॉक इज़ इम्पॉर्टेंट सो गाइज मॉक मतलब समझ लीजिए कि आप लाइक like, आप जैसे एक जॉब में जा रहे हैं तो पहले आपको सबसे पहले तो एक टेक्निकल इंट आपका राउंड हो सकता है मीन्स आपका एप्टीट्यूड हो सकता है नहीं भी हुआ तो आपका कुछ असाइनमेंट्स मांग सकते हैं लेकिन उसके बाद से फिर आपको जस्ट फेस टू फेस इंटरव्यू देना आता है यू हैव टू फेस यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू एंड विच इज़ लाइक ऑन वीडियो कॉल मोस्ट प्रोबेबली वीडियो कॉल होगा आपका मीट मीट पर होगा और मे बी लाइव हो सकता है मे बी लाइव हो सकता है देन यू हैव टू फेस इट सो इसको इसमें आपको कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है लाइक इफ़ यू हैव मैनी थिंग इन यूर माइंड्स एंड मीन्स यू हैव यू आर मीन्स नॉलेजेबल एंड यू डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट सो इट्स वेस्टलेस वेस्ट सो so, कुल मिला के ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए भी मॉक्स देने बहुत जरूरी हैं एक बात होती है ना लाइक यू इफ़ यू विल गिव मॉक्स ट फिफ्टी टाइम्स लाइक मॉक्स ही दे रहे दे रहे हैं लड़के तो मतलब वो सीख जाता है देते देते दे दे, कि किस तरह से क्या करना मतलब तो फिर अब तो फिर वो उस बंदे को कोई हेजिटेशन नहीं होगी उस बंदे को सो के उठने उठ के बोलोगे भाई मॉक दे दे तो बोलेगा ठीक है दे देता हूँ तो ये सब चीज़ जो है वो सब तो होता ही है बेनिफिट देन इस और भी बहुत बात है कि मॉक्स से आपको एक सेल्फ एनालाइसिस होता है एक सेल्फ आप एनालाइज कर सकते हैं अपने बारे में कि आप कहाँ पे हैं एंड एंड जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपको इंटरव्यू में आपके इंटरव्यूज में तो एक्चुअल जॉब मॉक्स आपको प्रोवाइड करती है जॉब इंटरव्यू एक्सपीरियंस कमिस्ट फीडबैक एंड फीडबैक भी आपको इसमें देना होता है आपको देना होता है कि मॉक इंटरव्यू कैसा था आपका सो so, इसमें मैं बता देता हूँ कि पहले तो आपका जो मॉड्यूल चल रहा है उसके मॉक्स होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जैसे कि आपको मॉड्यूल वन से मॉड्यूल टू में जाना है तो आपको मॉक दे के पहले तो आप मॉड्यूल uh, टेस्ट देंगे फिर आप मॉक भी आपको देना पड़ेगा इट्स कंपल्सरी तो मॉक आप देखें मॉक में मोर देन सेवन यू हैव टू स्कोर मोर देन सेवन देन ओनली यू विल बी पास ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल ओके एंड आफ्टर दैट मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक like, uh, ये जो मॉक है इसको मीन अच्छे से कैसे प्रिपेयर करें तो मॉक को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है उसी से ज़्यादा से ज़्यादा 99% नाइन परसेंट चांस होते हैं पूछते हैं कभी 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 मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई ऐसा इंटरव्यूअर आ गया है जो जिसने जिन्होंने एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है और जिसके कारण मेरा मॉक खराब हो गया है तो मॉक में तो ये सब होता है ये कभी कभी होता है एंड डोंट बोधर आप दोबारा मॉक दे सकते हैं ऐसा कोई ये नहीं है कि एक बार ही मॉक आपका अच्छा जाएगा मेरा फर्स्ट मॉक हुआ था उसमें मुझे थ्री पॉइंट थ्री फाइव मार्क्स कुछ ऐसे आए थे तो उसके बाद से फिर जस्ट मैंने उस मॉड्यूल वन का दूसरा मॉक दिया तो मुझे नाइन से अब आ गए सो so, ये वाली कंडीशन होती है सो so, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं मॉक्स पे अभी तक तो हो गए होंगे आधा से ज्यादा लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स हैं लाइक फ्रंट एंड का मैंने बता दिया कि फ्रंट एंड नहीं मैंने बोल मॉड्यूल के एंड में होता है एक मॉक एक एच आर मॉक होता है एच आर मॉक कभी भी आप दे सकते हैं लाइक like आपके टू थ्री मंथ्स हो गया जॉब में तो आप एच आर मॉक के लिए अपने बैच मैनेजर को बोल सकते हैं तो आप दे सकते हैं फिर आता है रेडीनेस रेडीनेस मॉक किसी भी मॉड्यूल का डी एस सी रेडीनेस बैक एंड रेडीनेस और फ्रंट एंड रेडीनेस तो ये तीन तरह के मॉक्स होते हैं इस तीनों में कुछ अंतर होते हैं लाइक like, मॉड्यूल के जो मॉक्स होते हैं उस पर सेवन मोर देन सेवन था फॉर पासिंग इट एंड फॉर मॉड्यूल या फ्रंट एंड रेडिनेस और एनी रेडीनेस मॉक यू हैव टू स्कोर मोर देन एट और सेवन कभी कभी ये आगे पीछे होते रहता है मैंने पहले बताया बहुत ही वॉलीटाइल है यहाँ पे करिकुलम भी चेंज हो सकता है कुछ भी मतलब चेंज हो सकता है कंडीशन चेंज हो गया लाइक like, एक कंडीशन में बताता हूँ पहले जो था मॉक का उतना लिमिटेशन नहीं था आप आसानी से मॉक बार बार दे सकते थे जब तक आप पास नहीं हो लेकिन अब ये लिमिटेशन है कि विदिन uh, 15 डेज यू है यू विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू चांसेस ऑफ मॉक तो अगर दो चांस आपने मिस कर दिया देन यू आफ्टर 15 डेज ओनली यू विल गेट चांस सो ये वाला एक सीन uh, हो गया है अभी देन एचआर मॉक आप दे सकते हैं इसमें आपका या uh, स्कोर yeah, हो सकता है अच्छा एंड देन uh, uh, देख सकते हैं यहां 9.75 है एंड मॉक जो लेते हैं कौन लेते हैं ये मॉक तो मॉक जो लेने वाले हैं तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं फिफ्टी परसेंट टाइम मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आए हैं ट्रिपल आईटी के अलाहाबाद और एनआईटी के स्टूडेंट्स आए हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेल नॉलेजेबल एंड उनको पता होता है कि क्या पूछना है एंड देन ये ऑन वर्किंग हो सकते हैं वर्किंग लाइक कोई कंपनी में काम कर रहे हैं लुइस में काम कर रहे हैं फिर या मैं तो अमेजन का भी देखा हूँ अमेजॉन मतलब अच्छे अच्छे कंपनी से आते हैं एंड फिर वही कि मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है अगर वो उस कंपनी से आते हैं लाइक like उनको पता है कि आपके फ्रंट एंड कंप्लीट हो गई है तो वो थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सब बात है नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं कि कैसे मॉक को बुक किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका साइड बार होता है वहां पे जाइए यहाँ पे सेशन होगा सेशन पे जाके आप सेशन <coughs> पे जाके आप यहाँ पे आपको दिखेगा मॉक सेशंस क्या क्या अवेलेबल हैं देन उसके बाद से आपको यहाँ रेज आ, रेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे दिखाएगा रिक्वेस्ट इज पेंडिंग रिक्वेस्ट आपका चला गया है आपके बैच मैनेजर के पास उनके पास ऑथराइजेशन होता है वो आपका रिक्वेस्ट क्लियर कर देंगे अप्रूव कर देंगे उसके बाद से आपको मौका मिलेगा कि यहाँ पे बुक सेशन जैसा कि यहाँ पे मुझे मिला है ये सब मेरे मॉक्स बचे हुए हैं तो यहाँ पे बुक सेशन करने का आपको मौका मिलेगा और जब आप इसको बुक कीजिएगा तो आपको डेट फ्लैश होगा लाइक मैं देख दिखा देता हूँ आपको लाइक ये बेस्ट अवेलेबल मेंटर गॉफ एन तो ये भी एक न्यू ऑप्शन अभी आया है लाइक like कि अब मेंटर uh, भी चुन सकते हैं मेंटर फोर बनना पहले नहीं था एंड कैंसिलेशन लेफ्ट टू मीन्स पूरे के पूरे जॉब की जर्नी में मुझे ऐसा सुनने में आया कि टू कैंसलेशन इज ऑनली अवेलेबल कि अब दो ही बार आप मॉक को कैंसिल कर सकते हैं कोई भी मॉक मतलब इसलिए इसलिए हुआ आई थिंक क्योंकि पहले थोड़ा सा लिबरल था उतना सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था क्योंकि हो सकता है कि फॉर एवरी सेशन For every session, क्योंकि ये लोग पार्ट टाइम ही जॉब करते हैं I think. तो इन लोग को पैसा देती है तो इससे वो लोग अर्न करते हैं एंड अगर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर भी उनको पैसा देना पड़ जाता होगा एक जॉब को उन मौक लेने वाले मेंटर को इसलिए ये सब स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए हैं देन लाइक बेस्ट अवेलेबल मेंटर सेलेक्ट किया मैंने अब आएगा यहाँ टाइम अब आया जैसे कि आज ट्वेंटी फोर्थ है तो मुझे ट्वेंटी फिफ्थ का चाहिए और देख सकते हैं ट्वेंटी सेवन तक का मिल सकता हूँ फिर ये टाइम पे मैं कहूँगा तो फिर मेरा मॉक हो जाएगा शेड्यूल देन आपको यहाँ पे मेंटर शो हो जाएगा कि योर सेशन लाइक यहाँ पे कि आपको यहाँ पे मेंटर शो हो जाएगा कि यहाँ पे कौन है आपका मेंटर एंड फोन नंबर शो हो जाएगा लाइक दिस ओनली तो ये तो बस एक एग्जाम्पल था नेक्स्ट दोस्तों क्या मॉक का जो है क्या फॉर्मेट होता है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है लाइक like, ये आपको फॉलो हर जगह करना होगा लाइक like, आप जैसे मौक में आएंगे तो इंटरव्यूअर ही पहले स्टार्ट करेगा कि यू आर हेयर फॉर दिस मॉड्यूल एंड कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ देन उससे पहले ही मैंटर अपना इंट्रोडक्शन देगा छोटा सा एंड उसके बाद फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे देन वो बताएगा कि फॉर्मेट क्या है इस मॉक का लाइक like, टू वो बोलेंगे लाइक टू एप्टीट्यूड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा एंड टू कोडिंग क्वेश्चन एंड सम थियोरिटिकल क्वेश्चन देन दैट्स इट देन उसके बाद से फिर प्रोसीज होगा लाइक फोर्टी मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स वन आवर चलता है वन आवर चलता है तो उसमें आपका रैप अप आप हो जाएगा मॉक तो इस तरह से होगा उसके बाद से फिर आपको फीडबैक फीडबैक फॉर्म मिलेगा कुछ देर बाद उसको आपको फिल करना है उसमें बहुत सारे ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस रहते हैं कि इंटरव्यूअर सही टाइम पे आया कि नहीं आया कैमरा ऑन था इंटरव्यूअर का लाइक like, uh, उन्होंने कुछ हिंट दिया आपको लाइक like, uh, उन्होंने फिर अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो उन्होंने क्या आपको सॉल्यूशन दिया तो इन सबका आप ऑनिस्टली दे सकते हैं उसका आंसर and then after filling up the field, feedback feedback form you will get the marks uh, like this score ऐसा यहाँ flash यहीं पर आ जाएगा आपका marks तो इस तरह से आप देख सकते हैं like एक अगर मैं beginner one का दिखा देता हूँ like उसके बाद फिर आपको जैसे वो आप ये देंगे हाँ ये मेरा जो है नाइन पॉइंट सेवन फाइव आया था beginner one में तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल्ड थोड़ा सा एनालाइसिस करना है सेक्शन वाइज एनाल कर सकते हैं तो आपका टेक्निकल इंट्रोडक्शन कैसा गया तो यहाँ पे दिया है गुड इंट्रोडक्शन विद एक्सप्लेन विद स्किल्स ओके कोडिंग वन कैसा गया आपका अप्रोच डिस्कस दम ऑप्टिमल सोल्यूशन इस तरह कर करके देख सकते हैं कि डेट स्टूडेंट टू वेरिएबल नेमिंग आ, या इस तरह से कर करके देखिए क्वेश्चन में यह नो हिंट वाज टेकन गिवन गिवेन तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन का लाइक इस ये तो क्वेश्चन वन का था क्वेश्चन टू का सेम इसी तरह का होगा एरे से पूछा गया था मुझे एप्टीट्यूड का होगा यहाँ पे एप्टीट्यूड का यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बाकायदा क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्प्ले है कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा था लाइक फिर थ्योरी में है थ्योरी में क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा वो भी यहाँ पे शो हुआ है ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख जाता है 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट तो इस तरह से आपको दिख दिख सकता है देन अगर आपने व्यू रिकॉर्डिंग व्यू रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन रहता है आप उसको देख सकते हैं ओपन करके देन सिक्स जनवरी लाइक मैंने इससे पहले मैंने बताया था ना थ्री कुछ मार्क्स आए थे मुझे फर्स्ट ही मॉक में मेरा जब एक्यू जर्नी शुरू हुआ था एक जॉब में देन ओके देन इसमें था कि इस तरह से मेरा परफॉर्मेंस रहा कोडिंग वन सी सी इस तरह से इसका तो थोड़ा फीडबैक थोड़ा सही नहीं है तो इस तरह से ये सब आपको दिख जाएगा एंड दोस्तों आपको पता ही है कि मैंने शुरू में बताया था कि 15 डेज पे दो चांस मिलते हैं तो बहुत अच्छे से आप वो चांस का कर यूटिलाइजेशन करें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए उसका मत भी लिये आप एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आ रहा हूँ दूसरे वीडियो के साथ तब तक जय हिंद जय जै भारत